वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग क्लासेस। आज हम लोग 2D एरे में एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम है हम लोग का कि इनपुट डेटा इन 5x5 एरे, मतलब 5x5 एरे में इनपुट लेना है 5 रो और 5 कॉलम एरे में इनपुट लेना है एंड प्रिंट डायगोनल। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं क्या है। मेरे पास एक एरे होगा, पहले लॉजिक पे फोकस कर लें, फिर इसको कंप्लीट हम प्रोग्राम बना देंगे। ठीक है, इन टाइप का मेरे पास मान लीजिए एरे, क्योंकि एरे को टाइप स्पेसिफाई नहीं किया तो हम एरे मान लेते हैं इंटीजर टाइप का। ठीक है, और देन यहाँ पे 5 और देन 5, 5x5 का ले लिया। अब मान लीजिए इस पे इनपुट ले लेंगे, इनपुट लेने तो सबको आता है, इनपुट ले लेंगे। और अगर नहीं आ रहा है इनपुट लेना तो मेरा 2D एरे का पहला वीडियो देखिएगा, पार्ट 1। ठीक है, वहां पे आपको सब चीज पता चल जाएगा किस तरह से 2D एरे काम करता है। चलिए, यहाँ पे आपने फिगर बना लो, क्योंकि एरे का लॉजिक, प्रोग्राम बनाने का लॉजिक, का लॉजिक जो निकालते हैं ना, और प्रोग्राम बनाने का जो मजा है ना, वो तब आएगा अच्छे से। लॉजिक तब क्लियर हो जब फिगर आप बना लो कि करना क्या है, मुझे किस किस एलिमेंट के डेटा को एक्सेस करना है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये है इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस पर डेटा इनपुट है, मान लीजिए 5 है, 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 30, 35, 25, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. अब ऐसा कुछ इनपुट है डेटा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है मुझे डायगोनल एलिमेंट प्रिंट करना है। अब डायगोनल आपका ये एलिमेंट है, मतलब इस एलिमेंट में जो डेटा है सिर्फ वही चाहिए। क्वेश्चन समझ रहे हैं, क्लियर है? और एक डायगोनल ये भी होता है, तो मान लीजिए इसको भी ले लेते हैं, इसमें जो डेटा है वो चाहिए। क्लियर है? अब हम यहाँ पे देखें कि कौन कौन एलिमेंट के डेटा को प्रिंट करवाना है, बात समझे? तो हमें उसका इंडेक्स वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए तो हम आराम से काम कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ है, इसका इंडेक्स है 0, 0, 0 वाला डेटा का, फिर इस डायगोनल के अंदर में आता है तो 1, 1, फिर डायगोनल के अंदर ही आता है तो इसका रो है 2 और इसका कॉलम भी 2 है, फिर यहाँ पे 3, 3 ये भी आ रहा है, और फिर ये क्या आ रहा है, कौन, 4 और 4 आ रहा है। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिसका रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, हमें उसे का क्या क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। ठीक है, जहां पे रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स सेम है उसी का वैल्यू चाहिए ना। क्लियर, समझ में आ रहा होगा? तो इस तरीका के चीज है तो हमें वो चीज को चाहिए। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पे, तो हमें क्या करना है इस डायगोनल के लिए, हम सिंपल एक लूप भी लगाएंगे तो मेरा काम चल जाएगा। क्या, देखिए हम लिखते हैं फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना, टोटल एलिमेंट क्या हुआ डायगोनल, 5 रो है तो 5 डायगोनल में 5 एलिमेंट होगा, तो i लेस देन कितना 5। ठीक है, और i इक्वल टू i प्लस 1, 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, और हम सिर्फ सिंपली प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ परसेंट डी, ठीक है, स्लैश n लगा देते हैं, और यहां पे हमने लिखा एरे का नाम क्या, ARR का i और यहाँ ARR का i दोनों में, मतलब रो का इंडेक्स में भी हम डाल दिए और कॉलम का इंडेक्स में भी सेम ही वैल्यू डाल दिए, क्योंकि i का वैल्यू 0 है तो 0 यहाँ भी रिप्रेजेंट करेगा, 0 यहाँ पे, तो जिसका रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स सेम उसी को ने प्रिंट करना था। क्या, तो आप यहाँ पे खुद देखिए, तो रो का इंडेक्स कितना 0, i का वैल्यू शुरू में 0 है तो 0 यहाँ भी 0 है, तो 0, 0 प्रिंट करेगा, और देन आपको पता i का वैल्यू 0 से कितने में जाएगा 1, तो 1 यहाँ भी रिप्रेजेंट करेगा और 1 यहाँ भी रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, तो 1, 1 प्रिंट करेगा, मतलब कितना 15, फिर i का वैल्यू बढ़ेगा कितना 2, तो 2 प्रिंट करेगा। आप समझ में आ रहा है, तो आराम से ए वाला देखिए तो आराम से डायगोनल प्रिंट नहीं कर देगा, सिर्फ वही डायगोनल। क्लियर है? अब यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कि सर ये डायगोनल कैसे प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे हम देखना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे इंडेक्स देखिएगा, जैसे इसका इंडेक्स 0, 4, इसका इंडेक्स कितना 0, 3, इसका इंडेक्स 2, 2, क्योंकि ये एलिमेंट कॉमन एलिमेंट है तो दोनों डायगोनल में आएगा, और फिर इसका कितना 3, 1 और इसका कितना 4, 0। अब यहाँ पे हम आपको क्या दिखा रहे हैं कि जिसका रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स दोनों जोड़ते हैं तो 4 आता है, कितना रहा है, जिसका रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स दोनों जोड़ने पे 4 आ रहा है, वही वैल्यू मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है, और किसी को प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, तो हम उसके लिए लूप सेट कर देंगे। ठीक है, लूप सेट कर देंगे रो का और एक कॉलम का, बात समझे,
और रो का जब सेट करेंगे तो मुझे पता है रो का जीरो से लेके कितना चार तक चलेगा, और कॉलम के लिए जीरो से लेके भी चार तक चलेगा, और वहां पर देख लेंगे क्या रो का इंडेक्स आई मान लीजिए और कॉलम का इंडेक्स जे है, दोनों को जोड़े तो क्या मेरा कितना आ रहा है, सम बराबर आ रहा है 4 के। अगर ऐसा है तो मुझे क्या चाहिए, प्रिंट करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो मान लीजिए सपोज कीजिए हम उसके लिए ऐसे लिखेंगे फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 5 और आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया। और फॉर जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन 5 और जे इक्वल टू जे प्लस 1, ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरा सारा चीज प्रिंट करेगा, हर एक डेटा पे चला, हर एक रो के हर एक एलिमेंट पे चला जाएगा, ये लूप लगाएंगे। लेकिन हम बोल रहे हैं कि प्रिंट मुझे कब करना है, जब इफ आई का वैल्यू और जे का वैल्यू दोनों क्या हो, 4 के बराबर हो, जहां आईथ रो जीरो और जे का इंडेक्स कॉलम का इंडेक्स जोड़े हैं और दोनों क्या हो 4। जैसे आई लूप चलते रहेगा कहां पहुंचेगा, जीरो, आई का जीरो है, जे का लूप चलते रहेगा कहां पहुंचेगा, 4 पे, तो जीरो और 4 जुड़ेगा आंसर कितना आएगा 4। तब उस एलिमेंट का डेटा, उस आईथ रो और जेथ रो का डेटा मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ परसेंटी स्लैश एन ए आर आर का आई और जे को प्रिंट करें, किस आई और जे को, उस आई जे को जिसका क्या है रो और कॉलम का इंडेक्स जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब आपको पूछेगा अब आई का वैल्यू जीरो से कितना जाएगा, 1 के लिए फिर जे जीरो से, अब यहाँ पे देखिएगा तो 1 के लिए फिर जे जीरो से, तो 1 यहाँ इसका इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स को समझिएगा, इसका इंडेक्स कितना है 10, इसका कितना है यहाँ पे 11, 12, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कितना है, इसका इंडेक्स कितना है, तो इसका इंडेक्स आपके पास है 13, तो आई का वैल्यू 1 पे है, और जैसा ही जे बढ़ते हुए जे का वैल्यू 3 पे पहुंचेगा तो 1+3 कितना बराबर होगा, ये होगा 1 पे आ गया, और जे जितना 0 चला 1 चला 2 चला और 3 आया, तो 1 और 3 जुटेगा तो कितना परिवर्तन आएगा 4 आएगा, तो हम उसका उस आई जे को प्रिंट कराइए, 1 और 3 वाला प्रिंट करा दीजिए, तो उसके अंदर जो प्रिंट है वो प्रिंट कर देगा, क्लियर है। तो इस तरह से ये डायगोनल आप रख सकते हैं और ये डायगोनल को प्रिंट कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना चाह रहे थे हम, अब हम इसको कंप्लीट हम प्रोग्राम में ट्रांसलेट कर देते हैं, ठीक है। चलिए फिर प्रोग्राम को आप लोग रन करवा लीजिएगा, इवन आप एक ही लूप से दोनों काम कर सकते हैं, जैसे कि हमने तो एक तो सिंपल सा तरीका बता दिया कि एक ही लूप लगा के तो ये वाला डायगोनल आ जाएगा, और ये लूप लगा देंगे तो ये डायगोनल आ जाएगा। ऐसा करते हैं ना कि हम एक ही लूप लगाते हैं जिसमें दोनों डायगोनल आपका प्रिंट कर देगा, चलिए उसको भी हम कर देते हैं, प्रोग्राम उसी से बना देते हैं, जो कि अलग अलग दो लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ पे इनपुट कर ले वर्ड मीन, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मेरे पास एक एरे है, एरे ले लेते हैं 5x5 का एरे लेना है, एक आई और क्या चाहिए जे। इनपुट लेने के लिए लूप लगा लो फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 5, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, फॉर जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन 5, जे इक्वल टू जे प्लस 1, यहाँ पे स्कैनफ लगा दें, अपना डेटा आप इनपुट कर लोगे, एड्रेस ऑफ ए आर आर का आई और जे, चलिए हो गया, ये इनपुट हो जाएगा। इनपुट करने के बाद हमें डायगोनल डेटा क्या करना है, प्रिंट करना है, हमें हर एक रो पे जाना है, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 5, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, और हर एक कॉलम पे जाता है, हर एक रो का हर एक कॉलम कितना स्टार्ट होगा 0 से लेके कॉलम कितना है 5, लेस देन 5, जे इक्वल टू जे प्लस 1। चलिए आई का वैल्यू जब रो 0 पे है और जब कॉलम एक्सेस कर रहे हैं, और जहां पे आई का वैल्यू, बात को समझिए, यहाँ पे आई का वैल्यू इक्वल टू किसके बराबर है, जे के बराबर है, ठीक है, जहां i का वैल्यू j के बराबर है वहां पे मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन एरे का i और j को प्रिंट कर दीजिए, कहां, जहां रो का इंडेक्स कॉलम का इंडेक्स सेम है वहां, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, इसी में अगर एक जगह पे ये प्रिंट करेगा, नहीं तो एक जगह और जाते हुए एक जगह और देखिएगा, हमको दो चीज चाहिए, पहला क्या चाहिए कि ये डायगोनल चाहिए और एक ये डायगोनल चाहिए, तो जब आप जैसे ही कॉलम को मूव कर रहे हैं, जहां आईथ और जेथ वैल्यू बराबर हो तब उस एलिमेंट का वैल्यू चाहिए, और जहां आई प्लस जे इक्वल टू 4 हो जाए उसका भी वैल्यू चाहिए, तो फिर हम एक यहाँ पे अगर वो गलत होता तो एक और चेक कर लीजिएगा, इल्सिफ क्या आई प्लस जे इक्वल टू किसके बराबर है, 4 के बराबर है, अगर ऐसा है तो उसका डेटा भी आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट परसेंट डी स्लैश एन ए आर आर का आई और क्या जे,
उसको प्रिंट करना है। क्लियर है? समझे? जहां पे आईएथ रो और जेथ कॉलम क्या हो, बराबर हो, तब आराम से दोनों डायगोनल का एलिमेंट आपका क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। आप इस प्रोग्राम को रन करा के देखिएगा, सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा और अच्छे से प्रोग्राम को टाइप कीजिए तो प्रोग्राम आपका सही से रन करेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।